वेलकम है आप लोगों का ग्रेसी क्लासेस में। मैं शफात सर, कुछ लोग मुझे आदिल सर के नाम से जानते हैं। मैं आज आपको एक ऐसा टॉपिक बताऊंगा जिसके जरिए आपका मैथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है, एंड दैट टॉपिक इज नंबर सिस्टम। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम आप लोगों को पता होनी चाहिए। जो भी बच्चे क्लास 9th और क्लास 10th में पढ़ते हैं उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारियाँ कर रहे हैं तो उनके लिए नंबर सिस्टम पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, अब नंबर सिस्टम जो है, नंबर सिस्टम में पहले जो डेफिनेशन आती है तो वो नंबर की आती है। नंबर क्या होता है? नंबर क्या होता है? नंबर इट इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट। ये एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होता है विच इज यूज्ड फॉर काउंट, जो हमें काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। नंबर, ठीक है। अब इन नंबर्स में सबसे पहला जो नंबर आता है वो तो मुझे पता है, आता है नेचुरल, होल, इंटीजर, बहुत तरह से नंबर है, बट मैं बात करूंगा रियल नंबर की। सर क्यों बात करोगे आप रियल नंबर की? क्योंकि बेटा हमारे क्लास 9th और क्लास 10th में जो पहला टॉपिक है वो रियल नंबर, नंबर सिस्टम के बारे में है, बट क्लास 10th में पहला टॉपिक रियल नंबर्स में ही है। ठीक है, तो अब रियल नंबर के जो ब्रांच है वो ऐसे है, इसमें एक ब्रांच निकलता है रैशनल, दूसरा ब्रांच निकलता है इरैशनल। ठीक है, और इसके बाद अब रैशनल के जो पार्ट्स निकलते हैं, ठीक है, अब पहले मैंने आपको बताया रियल, रियल नंबर क्या होता है मैंने अभी डिफाइन नहीं किया है, बट जो इसके ब्रांच है मैं पहले आपको बता रहा हूं। इसमें एक आता है रैशनल, दूसरा आता है इरैशनल, फिर उसमें क्या निकलते हैं हमें, उसमें निकलते हैं फ्रैक्शन और निकलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, फिर इंटीजर में और एक ब्रांच निकलते हैं। ठीक, इंटीजर्स में क्या निकलता है, एक तो निकलता है समास, नेचुरल नंबर, सॉरी होल नंबर, एंड नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, फिर होल नंबर में आपको क्या निकलता है, होल नंबर में आपको निकलता है जीरो और निकलता है नेचुरल नंबर। ठीक, दैट मीन्स आपको ये नंबर्स जीरो से लेके पता होनी चाहिए, तब जाके आप क्लास 10th के रियल नंबर पे पहुंच सकते हो। ठीक, अगर आपको क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर सीखना है तो आपको इस नंबर से जाके रैशनल नंबर तक पहुंचना है। ठीक है, और इरैशनल नंबर तक पहुंचना है, यहां तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब बात आ रही है, मैं नेचुरल नंबर की पहले बात करूंगा। नेचुरल नंबर कौन सी नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं, वो काउंटिंग नंबर होते हैं जो स्टार्ट होते हैं वन से, स्टार्ट्स फ्रॉम वन। ठीक है, काउंटिंग नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम वन। ठीक, उसके बाद जीरो। ठीक है, जीरो और नेचुरल नंबर जब मिल जाते हैं तो वहां पे और एक सेट बनता है, दैट इज होल, दैट इज होल नंबर्स, दोज नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। क्लियर? ओके, नाउ इट इज नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स में आपको पता ही है माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, अप टू माइनस एन तक, तो इनको नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं। अब जिस टाइम आप नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स को आप ज्वाइन करोगे आपके पास मिलेंगे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स की डेफिनेशन आप लिख सकते हो सेट ऑफ होल नंबर्स अलोंग विद इट्स नेगेटिव। ठीक है, क्लियर हो गया इंटीजर? तो नेचुरल नंबर भी क्लियर, हो जीरो भी क्लियर, होल नंबर भी क्लियर, नेगेटिव नंबर भी क्लियर, इंटीजर भी क्लियर। अब ये फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जो इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी के फॉर्म में होते हैं। ए बाई बी इट इज 1/2 और वी कैन से 0.5, इट इज इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल, तो डेसिमल को कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर फ्रैक्शंस में होते तो फ्रैक्शन ही है, फिर हम उनको डिवाइड करके किस में लाते हैं, डेसिमल्स में, पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, अब जब फ्रैक्शंस और इंटीजर्स मिलते हैं तो वहां पे बन जाते हैं रैशनल। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, दोज नंबर्स व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ p/q व
where p and q belongs to integer and q is not equal to zero. Rational numbers ki definition ye hai, those numbers which are in the form of p by q, where p and q belongs to integer and q is not equal to zero. Sir, agar yahan pe 1 by 2 hai, क्या ये रैशनल नंबर है? यस सर है. सर क्यों? क्योंकि ये इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू है. सर 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है. सर क्या 2 बाय 0 या 2 बाय 1 है? यस सर ये भी है इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू. सर 0 बाय 1 है? यस सर. सर ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है. सर क्या 1 बाय 0 भी है? नो सर. सर क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही डेफिनेशन में बोला है क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज नॉट डिफाइंड. क्लियर? ओके. आप मुझे इसकी डेफिनेशन बोलिए इरेशनल की. इरेशनल नंबर दोस नंबर्स व्हिच आर नॉट रैशनल. जो रैशनल नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स. जो रैशनल नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स. अब चलते हैं किसकी तरफ? रियल नंबर की तरफ. रियल नंबर जो है, रियल नंबर हम बोलते हैं सेट ऑफ rationals as well as irrationals. Means दोनों का सेट बनता है, रियल नंबर कहलाता है. ठीक है सर. वन सर रैशनल है. सर कैसे? इन द फॉर्म ऑफ 1 बाय 1. सर 0, यस 0 बाय 1 इन द फॉर्म ऑफ 1 बाय 1. अच्छा p बाय q 3 बाय 2 इट इज इन द फॉर्म ऑफ p बाय q. सर 1 बाय 6 इन द फॉर्म ऑफ p बाय q. अंडर रूट 2 सर ये रैशनल है? नो सर, ये इरेशनल है. ओके सर, ये इरेशनल है तब जाके रियल भी हो सकता है. सीधी सी बात है ना. तो एवरी, तो यहां पे एक बात निकली, every rational number is real number and every irrational number is real number. हर एक rational number real number कहलाता है और हर एक irrational number real number कहलाता है. ठीक है. अब अगर बात करेंगे यहां पे एवरी रैशनल नंबर इज रियल, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल, ये तो क्लियर हो गया. ठीक है. अब मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डाइवर्ट करता हूं. ठीक है. मैं आपको अपना एक रूल बता देता हूं, वो है एन डब्ल्यू आई आर आर. ठीक है. न्यू वर्ल्ड इज रियली रफ. ठीक है. नई दुनिया जो है, जो आजकल के मौसम चल रहे हैं. ठीक है. आजकल तो पता ही है आजकल क्या चल रहा है, COVID-19. दैट्स व्हाई मैंने ये रूल बनाया है एन डब्ल्यू आई आर आर. नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड इज रियली रफ. ठीक है सर. इससे क्या हूं आप मतलब हमें बताओगे एन डब्ल्यू आई आर आर? सर बेटा समझ लेना, दिमाग में नेक्स्ट होगा. ओके सर, ये समझ लेना ये होल है. ओके सर, ये समझ लेना ये इंटीजर है. ओके सर, ये समझ लेना ये रैशनल है. ओके सर, ये समझ लेना ये रियल है. ठीक है सर. जो सबसे छोटा सेट होता है ना, सबसे छोटा सेट, उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं. अब अगर इस नेचुरल नंबर को आप जीरो ऐड करोगे तो ये होल बन जाता है. अब अगर इस होल को आप नेगेटिव नंबर्स ऐड करोगे तो ये इंटीजर बन जाता है. अब अगर इन इंटीजर को आप क्या करोगे, हर एक इंटीजर जो है अब नंबर्स लाओगे इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, तो ये रैशनल कहलाएगा. ठीक है. यस सर. अब उसके बाद फिर लास्ट में आ जाएगा रियल. मेरी बात समझ आई आपको? न्यू वर्ल्ड इज रियली रफ. Natural, whole, integer, rational, real. That means, जब भी आप क्लास फर्स्ट में पास हो जाते हो, फिर उसके बाद आप क्लास सेकंड में जाते हो. सेकंड के बाद थर्ड में, थर्ड के बाद फोर्थ में, फोर्थ के बाद फिफ्थ में. ठीक है. ऐसा भी मुमकिन है कि आपको डबल प्रमोशन मिलेगी तो आप फर्स्ट से लेकर डायरेक्ट थर्ड में जाओगे.
होता है ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे, ठीक है। तो दैट मीन्स हमने ऐसा किया है कि हमने ऐसा किया कि स्कूल में देखा कि हर एक बच्चा जो है वो आगे की दौड़ लगाता है, आगे की तरफ दौड़ लगाता है, ठीक है। तो आपको भी इस NWIRR में आगे की तरफ जाना है। फॉर एग्जाम्पल सर, इसको एरो करके ऐसे लिखेंगे, एवरी नेशनल इज होम, एवरी नेशनल इज इंटीजर, एवरी नेशनल इज रैशनल, एवरी नेशनल इज रियल, एवरी होल इज इंटीजर, एवरी होल इज रैशनल, एवरी होल इज रियल, एवरी इंटीजर इज रैशनल, एवरी इंटीजर इज रियल, एवरी रैशनल इज रियल, एवरी रियल इज नेशनल। नो सर, हम बैकवर्ड डायरेक्शन नहीं ले सकते, क्लियर। ये नंबर सिस्टम है, क्योंकि बीच में हमें आता है एवरी रैशनल नंबर इज रियल नंबर, तो हम देख लेते हैं एवरी रैशनल नंबर इज रियल नंबर है कि नहीं है, है कि नहीं है, नहीं है, हाँ है, कुछ लिखते हैं हाँ, कुछ लिखते हैं ना। तो यहाँ पे अगर आप NWIRR याद रखोगे ना, लर्न करोगे ना, घर में तो एक बार याद रखना भाई साहब बस, उसके बाद आप कभी कभी नहीं भूल जाओगे। बस आप यहाँ पे एवरी नेशनल इज होल, एवरी नेशनल इज इंटीजर, एवरी नेशनल इज रैशनल, एवरी नेशनल इज रियल, क्योंकि जो रियल का सेट होता है सबसे बड़ा सेट होता है, इसमें नेशनल अंदर आ जाता है। तो हर एक नेशनल फैमिली का मेंबर जो होता है ना, वो रियल फैमिली का भी मेंबर होता है। हर एक होल फैमिली का मेंबर जो है ना, वो भी रियल फैमिली का होता है, ठीक है। नंबर सिस्टम क्लियर हो गया यहाँ तक आपको, ठीक है। अब इसके बाद आपकी क्लास 9th में क्वेश्चन आते हैं, पहली एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन है, क्या हर एक रैशनल नंबर रियल होता है? क्या लिखोगे? यस सर, हर एक रैशनल रियल होता है, यस सर। हैव एवरी रियल इज रैशनल? नो सर, ठीक है। अब उस पे पहला जो क्वेश्चन है, इज जीरो अ रैशनल नंबर? क्या जीरो रैशनल नंबर है? मैं लिखूंगा यस सर। सर कैसे? क्योंकि मैं 0/1 भी लिख सकता हूँ, 0/2 भी लिख सकता हूँ, 0/3 भी लिख सकता हूँ, 0/4 भी लिख सकता हूँ। सर 0/1 ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, बट क्यों इज नॉट इक्वल टू 1? क्यों इज नॉट इक्वल टू 0? 1 तो 0 के बराबर है ही नहीं, तो दैट मीन इज 0, 0/1 दैट्स इक्वल टू 0, तो ये 0 रैशनल नंबर है, ठीक है। हो गया आपका पहला क्वेश्चन खत्म। अब दूसरा क्वेश्चन, इसमें आ जाएगा आपको क्वेश्चन, फाइंड फाइव रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। हमें क्या लगता है? सर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, सर इसके बीच तो कोई नंबर आता ही नहीं है, लेकिन गलत बात है। बिटवीन टू रैशनल्स There are infinitely many rationals as well as irrationals. Between two rational numbers. 3 rational hai sir. हाँ सर, क्यों? क्योंकि 3 नेचुरल है, होल भी है, इंटीजर भी है, तो एवरी नेचुरल इज रैशनल। NWIRR याद है ना, तो 3 क्या है? रैशनल। 4 क्या है? रैशनल, ठीक है। 3 भी रैशनल, 4 भी रैशनल। मैं लिख रहा हूं बिटवीन टू रैशनल, इन दोनों के बीच देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल्स, इन दोनों के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल्स है, हम गिन भी नहीं सकते हैं, और इतने रैशनल्स है कि आप गिन नहीं सकते हो, इनफाइनाइट है। आपको बता रहा है 5 निकालो, है तो इनफाइनाइट, आप 5 निकाल के दे दो, ठीक है, 5 ही निकाल देना। ओके सर, सर ये 3 है, ओके ये 4 है, यस सर। हम एक काम करेंगे, हम इसको इंटू 10 करेंगे, डिवाइड बाई 10 करेंगे, इसको भी इंटू 10 करेंगे, डिवाइड बाई 10 करेंगे, ओके। अब यहाँ पे 3 times 30 डिनोमिनेटर में आया 10, 4 times 40 डिनोमिनेटर में आया 10, क्लियर। अब 30 के बीच तो 30 और 40 के बीच तो नंबर्स गिनने आएंगे ना, 31 32 33 34 35 36 37 38 39, ठीक है। तो अब देख सकते हो आप सर, इसके बाद 31/10 आ सकता है, 32/10 आ सकता है, 33/10 आ सकता है, 34/10 आ सकता है, 35/10 आ सकता है। सर निकालने कितने थे? सर 5 निकालने, सर निकाले मैंने 5 1 2 3 4 5। सर अब अगर मुझे सर 11 निकालने होंगे, सर 30 और 40 के बीच कितने आते हैं? 9 ही आते हैं, तो
बेटा आप हैंड्रेड से मल्टीप्लाई करो डिवाइड हैंड्रेड, मल्टीप्लाई हैंड्रेड डिवाइड हैंड्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे 300, यहाँ पे 100, यहाँ पे 400, यहाँ पे 100, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 300 1 बाय 100, 302 बाय 100, 303 बाय 100, 304 बाय 100, 305 बाय 100, 306 बाय 100, 307 बाय 100, वो तो देना हुए, 308 बाय 100, 309 बाय 100, 310 बाय 100 एंड 311 बाय 100, क्लियर सर? वहां पे आएगा फाइंड 101 रैशनल नंबर्स इन इट, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन सीखना है ना। तो यहाँ पे इंट में 1000 लेना, यहाँ पे डिवाइड में 1000 लेना, यहाँ पे इंट में 1000 डिवाइड में 1000, दैट इज आपको फिर 3000 और 4000 के बीच नंबर्स देखने हैं। क्लियर यहाँ तक? इजी लगा ना? मुझे पता इजी लगा होगा। अब देखो, अब लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं आता ना, क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, क्वेश्चन आएगा 2/3 एंड 3/4। सर दिक्कत है सर, क्योंकि वहां पे 2 और 3 था, 3 और 4 था, यहाँ पे 2/3 और 3/4 है, ये भी रैशनल नंबर्स है दोनों, क्योंकि ये इन द फॉर्म ऑफ p/q, इन द फॉर्म ऑफ p/q। अब इसके बीच आपको निकालने हैं 5 रैशनल नंबर्स। करोगे क्या सर? पहले मैं काम करूंगा डिनोमिनेटर को मैं सेम बनाऊंगा। सर कैसे? सर इसको ये 3 कभी 4 बन सकता है? नहीं सर। ये 4 कभी 3 बन सकता है? नहीं सर। अब करना क्या है? अब हम यहाँ पे इंट करेंगे ये 4 और इस 4 को इंट करेंगे ये 3, तब जाके डिनोमिनेटर में आ गया 4 3s are 12, यस सर। बट आपने जो यहाँ पे इंट किया ना, वो यहाँ पे भी इंट कर लेना बेटा, क्योंकि फ्रैक्शन पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। और यहाँ पे जो इंट 3 किया ना, यहाँ पे भी इंट 3 कर लेना। अब 2 4s are 8 बन जाएगा, 3 4s are 12 बन जाएगा, 3 3s are 9 बनेगा, 4 3s are 12 बनेगा। आप देखो डिनोमिनेटर में क्या बन गया, सेम ना। अब करोगे क्या? इंटू टेन। क्लियर? ओके, 8 10s are 80, 120, 9 10s are 90, 120। अब 80 के बाद क्या आता है बेटा? 81। सर डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 10 120। सर 82 120 83 120 84 120 85 120। यस सर, सर इजी है ये। सर डिनोमिनेटर से बनाना, उसके बाद इंटू 10 का जो चक्कर है ना, वही लगाना है ना। हो गया क्लियर? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है क्लास 8 में भी, क्लास 9 में भी, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन एक आएगा। अब तो अगर आपको बताया जाएगा, जरा बेटा 9 11 नंबर लाइन पे दिखाओ, मुझे पता आप कैसे दिखा, ऐसे ना, ऐसे 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 4 5 6 7 8 9, फिर हर एक एलिमेंट को डिनोमिनेटर किया 11 किया, फिर ये दिखाते हो ना 9 11, बिल्कुल यही रूल है, 9 11 दिखाना। लेकिन ये आप दिखा रहे हो कौन से नंबर्स? रैशनल नंबर्स। अगर आपको 1 दिखाना होगा तो इजी है, 2 दिखाना होगा इजी है, 0 दिखाना होगा इजी है, -1 दिखाना होगा इजी है। लेकिन हम जहां पे फंस जाते हैं ना, वो नंबर है अंडर रूट 2, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है, और ये इरेशनल नंबर हमें किस पे दिखाना है? नंबर लाइन पे। तो इसके लिए एक प्रोसीजर है, आप एक नंबर लाइन ले लोगे, लिया आपने नंबर लाइन, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, बस उसके बाद अगर काम करोगे बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन ले लो, इसका नाम यहाँ पे A रखो, इसका नाम यहाँ पे B रखो, रखा, उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दो, एक यूनिट की, कितने यूनिट की? एक यूनिट की, और ये भी एक यूनिट ही है ना, ज्वाइन करो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसका नाम सी रखो। सर क्या आपको लग रहा है यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन गया? सीधी सी बात है। सर क्या आपको लग रहा है ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है? सीधी सी बात है। मैंने एक थ्योरम निकाली थी, थ्योरम क्या थी? थ्योरम थी ये, क्या अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, मैं बोल रहा हूँ जो इस 90 का अपोजिट साइड है, ये इस ट्राइंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड हो, और ये लॉन्गेस्ट साइड बराबर होता है जो दो छोटे साइड्स हैं उनके सम के बराबर।
बाय ऑल सर्स टॉप, ठीक है, बाय ऑल सर्स टॉप। लेकिन वहां से पाइथागोरस आया, उसने क्या कहा, बेटा ये रॉन्ग है, आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि जब आप ये देखोगे ना, ये सेट्स में नहीं होता है। मैंने कहा सर तो क्या सेट्स होता है? उसने कहा बेटा सही है, लेकिन इस पे यहाँ पे सुटैर डाल दो हर एक जगह पे। तो मैंने जल्दी से अपना नाम रब किया, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्लियर। अब ये ए सी कितना है सर, मुझे नहीं पता ए सी कितना है सर। ए बी कितना है सर, ए बी तो आपने एक यूनिट ले लिया सर। बी सी कितना है सर, वो भी आपने एक यूनिट ले लिया, वन वन, दैट्स इक्वल टू टू। तो यहाँ पे क्या है, ए सी स्क्वायर। अब अगर ए सी यहाँ चला जाएगा तो प्लस माइनस अंडर रूट टू आएगा, तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है, दैट्स व्हाई हम अब यहाँ पे ए सी क्या लेंगे, पॉजिटिव टू। तो अगर ये पॉजिटिव अंडर रूट टू है, कहाँ से कहाँ तक, ए सी तक, कंपास लाओ, ए पे रखो, सी पे रखो, ऐसे जाके ऐसे डाल दो, आग डाल दिया, जो ये पॉइंट है ये अंडर रूट टू कहलाएगा। क्लियर, इजी है ना, ओके। अब लेकिन आपकी बुक में कौन सा क्वेश्चन है, आपकी बुक में है अंडर रूट फाइव। अंडर रूट फाइव किस पे दिखा रहे, नंबर लाइन। अब एक काम करो, ये एक लाइन है, जीरो ले लो, वन टू थ्री, इससे पहले आपने एक यूनिट लिया, आप दो ले लो, लिए दो यूनिट्स, नाम रखो ए और बी, यहां पे ऐसे परपेंडिकुलर डाल दो, एक यूनिट का डाल दिया, 90 बना, ये और ये ज्वाइन करो, सी रखो नाम, बाय आंसर थॉम। हाँ क्या बताया था मैंने, ए सी का, ए सी इज इक्वल जो बी के अगेंस्ट में साइड होता है, अपोजिट साइड होता है, वो बराबर होता है ए बी प्लस बी सी। बट पाइथागोरस ने क्या किया, चेंज किया, यहाँ पे स्क्वायर लाया, क्योंकि मेरी थ्योरम तो गलत थी ना, तो यहाँ पे क्या है आप पी जी टी पाइथागोरस थ्योरम। तो ए सी कितना है सर, नहीं पता है सर। ए बी कितना सर, मैंने इस टाइम दो यूनिट्स का ले लिया सर। बी सी कितना है, वन स्क्वायर, टू टू आर फोर, वन माइनस आर वन, तो ए सी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, फाइव। तो ए सी किसके बराबर आएगा, अंडर रूट प्लस माइनस फाइव। सर डिस्टेंस है ए सी, नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट फाइव, पॉजिटिव अंडर रूट फाइव। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, अंडर रूट फाइव सर, कंपास ले लो ए सी तक सर, ऐसे डाल दो सर, यहाँ पे अंडर रूट फाइव आ जाएगा, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद हो गया ये चैप्टर, अब इसके बाद है हमारा जो नंबर सिस्टम में आता है, इसके बाद जो नंबर सिस्टम में आता है वो क्लास नाइन की भी बात कर रहा हूँ। इसमें पहली एक्सरसाइज हो गई आपकी, दूसरी एक्सरसाइज हो गई आपकी, क्योंकि दूसरे एक्सरसाइज में खाली ही क्वेश्चन आता है अंडर रूट फाइव, अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, ठीक। अब क्वेश्चन आ जाएगा आपको, प्रूव दैट 0.9 बार इज इक्वल टू 1, मतलब आपको यहां से नंबर दिया होगा जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होगा, लेकिन आपको वो पी बाई क्यू के फॉर्म में दिखाने होंगे। पहला ये क्वेश्चन है, अगर आपके पास और एक क्वेश्चन आएगा 0.3333 सो ऑन, ये आपको इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू के फॉर्म में लाना, ठीक है, रैशनल नंबर ही कहलाता है ना, क्यों, क्योंकि आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, जो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, बेटा एक बात याद रखना, बस यही एक बात याद रखनी है, जहां पे दोनों जगहों पे नॉन आएगा, रिपीटिंग टर्मिनेटिंग, नॉन आ गया, समझ लेना रैशनल नंबर, समझ लेना इरेशनल नंबर है। बेटा एक ही बात याद रखनी है सर, अब आया रिपीटिंग, हाँ सर, और आया नॉन टर्मिनेटिंग, आया क्या रिपीटिंग, आया क्या नॉन, सर आया नॉन रिपीटिंग, सर आया रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग, आया क्या, आया रिपीटिंग टर्मिनेटिंग। मैं बात करूं इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, रिपीट टर्म नॉन, नॉन टर्मिनेट, रिपीट टर्मिनेट, ऐसा कुछ याद नहीं रखना बेटा, हर जगह पे याद रखो, लॉजिक है ये, नॉन दो जगह पे आ गया ना,
नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, इसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब अगर आएगा रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, नॉन रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग 3.46712, बस नॉन रिपीटिंग रिपीट नहीं हो रहे हैं बट टर्मिनेट खत्म हो रहे हैं, रैशनल नंबर कहलाता है। रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग 3.46, सॉरी 3.44444, रिपीटिंग टर्मिनेट हो रहा है ना, कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर ही है ना। तो अब हमें ये चीजें याद क्यों रखनी है, हम एक ही चीज याद रखेंगे ना, नॉन जहां पे दोनों जगह पे आ जाएगा तो वो कौन सा नंबर कहलाता है, इरेशनल नंबर। ओके, अब लेकिन ये दोनों नंबर क्या है, ये है रैशनल नंबर। चलो हम मान लेते हैं लेट दिस इज इक्वल टू 0.333 बार। इसमें याद ये रहना है आपको कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, एक हो रहा है तो मल्टीप्लाई करो बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। अगर एक डिजिट रिपीट होता जा रहा है तो मल्टीप्लाई करना 10 से, दो डिजिट्स रिपीट होते जाएंगे मल्टीप्लाई करना 100 से, तीन डिजिट्स रिपीट होते जाएंगे मल्टीप्लाई करना 1000 से, रूल है ये भाई इसका। आप देखो ये 10x बनेगा। ओके, जब इस चीज को आप, ये फर्स्ट रखना इसका नाम, जब आप इस चीज को मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो एक थ्री यहां आ जाएगा ना, 3.33333 सो ऑन बन जाएगा। कुछ ऐसे बच्चे बोलते हैं सर इससे पहले 4 3 थे, आपने 5 क्यों लाया बेटा, ये 23 जैसा है, सो ऑन है ना, सो ऑन का मतलब है 3 3 3 3, पता ही नहीं कितने 3 3 है, अब मैंने उनमें से और एक 3 लाया वहां पे। ठीक है, अब इसका नाम रखो सेकंड। अब उसके बाद नाउ सेकंड माइनस फर्स्ट गिव्स, सेकंड क्या है 10x, माइनस क्या करना है x, यहां पे क्या है 3.3333 सो ऑन, माइनस क्या करना है 0.3333 सो ऑन। अब 10x में से x 9x, 3x में से दिस, तो क्या निकलेगा वहां पे आंसर, 3 तो निकलेगा ना, क्योंकि ये सारे कैंसिल हो जाएंगे किसके साथ, इसके साथ, तो 3 माइनस दिस दैट्स 3, x इसके बराबर निकलेगा 3/9, क्या इन द फॉर्म ऑफ p / q है। यस सर, कुछ ऐसे बच्चे बोलते हैं सर नहीं 3 माइनस 3 3 3 9, तो है ना वो भी इन द फॉर्म ऑफ p / q। ठीक है, अब देखो अब मसला यहां पे है, किस क्वेश्चन का मसला है, 0.9 पर, 0.9 पर क्या मैं कह सकता हूँ x बराबर है 0.9999 so on, कह सकते हैं आराम से। तो कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, एक, तो मल्टीप्लाई किसे करेंगे, शाबाश, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, वी गेट, क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट होता जा रहा है, तो 10x इसके बराबर निकलेगा 9.9999 so on, फिर से क्वेश्चन नहीं करना जो भी किया था। ठीक है, अब उसके बाद 10x, फिर उसके बाद नाउ सेकेंड माइनस फर्स्ट गिव्स, सेकेंड क्या है 10x, माइनस क्या करेंगे x, 9.999 माइनस सो ऑन, माइनस 0.9999 सो ऑन, कैंसल कैंसल सर, 10x माइनस x, 9x इक्वल टू 9 सर, x इज इक्वल टू 9/9 सर, 9/9 तो 1/1 कहलाता है इन द फॉर्म ऑफ p / q। यस सर, यस सर, समझ आएगी। ठीक है, अब उसके बाद जो आपकी जो थर्ड एक्सरसाइज थी, आपको नंबर लाइन पे एक नंबर दिखाना है, वो है 3.765, 3.765 आपको नंबर लाइन पे दिखाना है, जो हम सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के जरिए करते हैं। आप एक नंबर लाइन ले लोगे, ये नंबर मुझे बताओ, ये है 3.7, दैट मीन्स 3 यहां पे है, 4 यहां पे है, तो 3 और 4 के बीच में ये नंबर आता है, तो लिखो इस पे यहां पे 3 यहां पे 4। पहले आपको ये जानना है ये जो नंबर है ये किसके बीच, इन दो नंबर्स के बीच आता है। ठीक है, अब यहां पे आ जाएगा, अगर हम मान लेंगे 3.0 है और ये 4.0 है, क्योंकि 3.0 इज आल्सो 3, तो 3.0 के बाद 3.1 आएगा, 3.2 आएगा, 3.3 आएगा, 3.4 आएगा, 3.5 आएगा, 3.6 आएगा, 3.7 आएगा, 3.8 आएगा, 3.9 आएगा, करियर यहां तक 3.9 आया, फिर उसके बाद 4.0 आएगा। अब बेटा जाना कहाँ है, 3.7 में, 3.7 तो ये है, ठीक है, और 3.8 के बीच ये दो नंबर्स आ जाएंगे, ये नंबर आ जाएगा,
ठीक है। अब मसला यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, 3.7। यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, 3.8। मैंने अभी कहा ना, जब आप यहाँ पे जीरो भी लोगे कोई टेंशन नहीं, तो ले लो यहाँ पे 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79। अब आगे आप 3.76 पे, 76 यहाँ पे है, नीचे लाओ और ये भी नीचे लाओ, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आएगा 3.76 और यहाँ पे आ जाएगा 3.77। लास्ट में क्या लोगे, जीरो। ठीक है, इसकी वजह से हम हीरो बन जाते हैं ना। तो 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 766, 767, 768, 3.769। सर बेटा देखना कौन सा नंबर है, 3.765। सर ये है 3.765, इजी है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। तो अब इसके बाद बहुत सारा है इसमें जो हमें इसमें पढ़ना है, ठीक है, नंबर सिस्टम में, जो क्लास नाइन्थ में, इस टाइम नाइन्थ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ा बहुत हम थोड़ा मूव कर लेते हैं क्लास टेंथ की तरफ, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर ये टॉपिक जो है ना टेंथ क्लास टेंथ के लिए ही है। अब वहाँ पे हमें सीखना है प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर। ठीक, इससे पहले जो यहाँ पे जेके बोस का सिलेबस था उसमें पहले चैप्टर में रियल है नंबर्स में खाली दो एक्सरसाइज थी, तो अब माशाल्लाह चार एक्सरसाइज आ गई है। मान लो आप सीबीएसई पैटर्न है उसमें, तो अब मसला ये है कि जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर हमें पता होनी चाहिए पहले, प्राइम नंबर क्या होता है। उसके बाद आप रियल नंबर्स में जो क्वेश्चंस हैं वो आप आराम से कर सकते हो। पहले आप मुझे बताओ प्राइम नंबर कौन से नंबर होता है, कौन सा नंबर होता है। मैं यहाँ पे लिखूंगा एनी नंबर पी ग्रेटर देन वन, ध्यान रखना इस पे, एनी नंबर पी ग्रेटर देन वन, पहले ही ग्रेटर देन वन होने चाहिए, पहले ही ग्रेटर देन वन होने चाहिए। हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, जिसमें खाली दो फैक्टर्स होंगे, ओनली हैविंग ओनली टू फैक्टर्स। सर फॉर एग्जाम्पल बात करो टू की, बात करो थ्री की, बात करो फाइव की, बात करो सेवन की, बात करो अलेवन की, बात करो थर्टीन की, बात करो सेवनटीन की, बात करो नाइनटीन की, बात करो 23 की, बात करो 27 की, बात करो 29 की। ठीक है, 27 नहीं है, 29 आता है इसमें, 29 आता है, 31 आता है। ठीक है सर, ये ऐसे नंबर्स हैं जिनमें खाली दो ही फैक्टर होते हैं। सर जरा टू की बात करो, सर टू इंटू वन, वन इंटू टू, सर जरा बताओ कितने फैक्टर्स है, दो ही है ना। सर थ्री की बात करो, थ्री इंटू वन, वन इंटू थ्री, फाइव की बात करो, फाइव इंटू वन, वन इंटू फाइव, सेवन की बात करो, सेवन इंटू वन, वन इंटू सेवन, 31 की बात करो, 31 इंटू वन, वन इंटू 31। ठीक है, 29 की बात करो, 29 इंटू वन, वन इंटू 29। जरा मुझे ऐसा कोई नंबर दिखाओ जिसमें फोर तीन फैक्टर्स होंगे, नहीं होंगे। ठीक है, ये नंबर्स कहलाते हैं प्राइम। एक बात याद रखना, ये जो टू है, ये जो टू है, मैं फिर से बता रहा हूं, ये जो टू है, ये जो टू है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। कहिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, बात है समझ, बात है समझ। ओके, अब मैं बात कर रहा हूं यहां पे, ये जो टू है ये खाली इवन प्राइम नंबर्स, इवन में एक ही नंबर प्राइम है वो टू है। बीच में क्वेश्चन आता है टू इज प्राइम, ठीक है, टू इज प्राइम कंपोजिट, टू इज ऑड, नन ऑफ दिस, तो प्राइम है ना। टू इज ओनली इवन प्राइम, टू इज ओनली इवन प्राइम, क्लियर। ओके, थ्री क्या है प्राइम, फाइव क्या है प्राइम, सेवन क्या है प्राइम, अलेवन क्या है प्राइम, थर्टीन क्या है प्राइम, सेवनटीन क्या है प्राइम, नाइनटीन क्या है प्राइम, दैट इज ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। अब बात करेंगे कंपोजिट की, एनी नंबर पी, एनी नंबर पी ग्रेटर है, क्यों ग्रेटर देन वन, हैविंग ऑन मोर देन टू फैक्टर्स।
हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स। सर बात किसकी हो रही है? फोर की, जो इसमें बन जाएंगे ना, फोर है, सिक्स है, नाइन है, एट है, टेन है, ठीक है सर। क्यों सर? फोर में आता है ना फोर इंटू वन वन इंटू फोर, नहीं बेटा टू इंटू टू भी आता है ना। सर सिक्स में आता है ना सिक्स इंटू वन वन इंटू सिक्स, नहीं बेटा टू इंटू थ्री भी आता है, थ्री इंटू टू भी आता है। सर एट में आता है ना एट इंटू वन वन इंटू एट, नहीं फोर इंटू टू भी आता है, टू इंटू फोर भी आता है। सर इसमें मोर देन टू फैक्टर्स है, तीन फैक्टर्स है, दैट मीन्स मोर देन टू फैक्टर्स है। अब यहाँ पे क्या है कोप्राइम, इस कोप्राइम का चक्कर थोड़ा सा हमें समझ नहीं आता है। कोप्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? टू नंबर्स आर सेड टू बी कोप्राइम इफ देयर एचसीएफ इज वन। दो नंबर्स को हम तब कोप्राइम बोलते हैं जब उनके बीच एचसीएफ हाइस्ट कॉमन फैक्टर वन होगा। सर टू और थ्री, ये भी प्राइम, टू इंटू वन, थ्री इंटू वन, वन हाइस्ट कॉमन फैक्टर निकला, तो ये कहलाता है कोप्राइम। सर यहाँ पे सेवन फाइव, ये भी प्राइम, फाइव इंटू वन, सेवन इंटू वन, फाइव इंटू वन, सर यहाँ पे वन और वन, सर कोप्राइम, ठीक। सर क्या हमेशा कोप्राइम नंबर्स में जो नंबर्स दो आते हैं वो दोनों प्राइम होने चाहिए? नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये क्या है प्राइम, ये क्या है कंपोजिट, फाइव प्राइम है, एट कंपोजिट है, फाइव इंटू वन, टू इंटू टू इंटू टू इंटू वन, क्लियर। यहां पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकला? वन निकला ना, तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? को प्राइम बोलेंगे ना। इनमें से एक क्या है प्राइम, दूसरा क्या है कंपोजिट, तो प्राइम और कंपोजिट आपस में को प्राइम हो सकते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, ओके। अब इसके बाद इसमें एक टॉपिक है, आपको दिखाना है, आपको दिखाना है प्रूव दैट अंडर रूट टू इज इरेशनल, जो इसकी तीसरी एक्सरसाइज आ रही है क्लास टेंथ में। प्रूव दैट अंडर रूट टू इज इरेशनल नंबर। मैं जो टॉपिक रियल नंबर है वो अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा, अगला वीडियो जो होगा वो रियल नंबर या रियल नंबर पे ही होगा। तो अब एक काम करोगे आप, ये जो अंडर रूट टू है ये आपको इरेशनल दिखा रहा है, तीसरी एक्सरसाइज है ये, तीसरी एक्सरसाइज में खाली यही क्वेश्चन है, प्रूव दैट अंडर रूट टू इज इरेशनल, प्रूव दैट अंडर रूट फाइव इज इरेशनल, प्रूव दैट अंडर रूट थ्री इज इरेशनल, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको अच्छे से समझ आ सकते हैं इस टाइम, क्योंकि इस टाइम बात चल रही है ना नंबर सिस्टम की। तो अब अंडर रूट टू दिखाना है इरेशनल नंबर, चलो हम एज्यूम कर लेते हैं, चलो हम एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम करेंगे अंडर रूट टू रैशनल नंबर है। एजम्पशन, हम अपनी एजम्पशन को रॉन्ग दिखाएंगे तब जाके ये अंडर रूट टू इरेशनल दिखाएंगे हम, ठीक है। अब एज्यूम क्या किया हमने, अंडर रूट टू रैशनल नंबर है, अगर अंडर रूट टू रैशनल नंबर है सर लिख सकते ना इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। सर रैशनल नंबर में ये डेफिनेशन जरूरी है, पी और क्यू को प्राइम्स होने चाहिए, इनमें हाइस्ट कॉमन फैक्टर वन होना चाहिए, ओके। अब अंडर रूट टू को किस फॉर्म में लिखा आपने, पी बाई क्यू फॉर्म में, जरा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो, वही क्या है, जब स्क्वायरिंग किया तो ये टू बन गया पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, इसको यहां ले आओ टू क्यू स्क्वायर इज कॉल्ड पी स्क्वायर, क्या आपको नजर आ रहा है? टू इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, टू जो है ये फैक्टर है पी स्क्वायर का, देयरफॉर टू विल बी द फैक्टर ऑफ। अगर ये पी स्क्वायर का फैक्टर है तो पी का भी फैक्टर हो सकता है, तो पी, लेट दिस पी इज इक्वल टू टू एम, चलो हम मान लेते हैं ये फैक्टर जो पी का फैक्टर है, तो हम लिख सकते हैं टू एम के बराबर, किसके बराबर लिखेंगे, टू एम के बराबर। पुट द वैल्यू ऑफ पी इज इक्वल टू टू एम इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जरा देखो टू, हाँ ठीक है, क्यू स्क्वायर, हाँ फिर टू एम का होल स्क्वायर, यस, तो टू क्यू स्क्वायर, यस, फोर एम स्क्वायर, यस, टू वन्स आर, टू टूज आर, क्यू स्क्वायर इज कॉल्ड टू एम स्क्वायर, ठीक, देयरफॉर टू इज अ फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर, यस सर, देयरफॉर टू विल बी द फैक्टर ऑफ क्यू ऑल्सो, यस सर। समझो पहले क्वेश्चन यार,
अंडर रूट टू हमें रैशनल हमें हमें लिखाना है इरैशनल है, मैंने एज्यूम किया चलो ये रैशनल नंबर है, अगर ये रैशनल नंबर है हम इसको लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी और क्यू क्या है, को प्राइम्स है, जब ये को प्राइम्स है इनका एचसीएफ क्या होगा, वन होगा। अब मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड की, यहाँ पे क्या निकला टू, यहाँ पे पी स्क्वायर पे क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर को यहाँ ले लो इक्वल टू पी टू क्यू स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है पी स्क्वायर का फैक्टर टू है। अगर टू फैक्टर है पी स्क्वायर का तो इसका मतलब ये है कि 2 हो सकता है फैक्टर p का भी, अगर p का फैक्टर है तो p लिख सकते हैं 2m के बराबर। इस 2m का वैल्यू पुट करो इस फर्स्ट वाले में, ठीक है, जब आप फर्स्ट करोगे पुट करोगे 2 के स्क्वायर आ जाएगा, इसके बदले p के बदले 2m स्क्वायर, तो 2 2s आर 4 m स्क्वायर, m स्क्वायर 2 1s आर 2 2s आर 4, इट इज q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। यहां पे ध्यान रखो ये q स्क्वायर 2m स्क्वायर के बराबर है, तो ये 2 किसका फैक्टर है, q स्क्वायर का फैक्टर है, तो 2 किसका भी फैक्टर हो सकता है सर, q का भी हो सकता है। अब यहां पे देखो आप बता रहे हो q का फैक्टर 2 है, यहां पे बता रहे हो p का फैक्टर 2 है, ऊपर क्या लिखा था p और q आर को प्राइम्स, हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमारी सपोजिशन क्या निकली, रॉन्ग निकली। देयरफॉर अंडर रूट 2 क्या है, अब इरेशनल नंबर है क्योंकि हमने रैशनल नंबर अज्यूम किया था। समझ आई बात कि नहीं सर? अब कल क्वेश्चन आएगा अंडर रूट 3, सर कुछ नहीं करना यहाँ पे अंडर रूट 3 लिखना है, यहाँ पे अंडर रूट 3 लिखना है, यहाँ पे अंडर रूट 3 लिखना है, यहाँ पे लिखना है 3 इज अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, 3 विल बी द फैक्टर ऑफ p, लेट p इज इक्वल टू 3m, यहाँ पे 3m, यहाँ पे 3q, ऐसा हो यहाँ पे 3m क्लियर हो रहा है ना, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 3s आर 9m स्क्वायर, यहाँ पे 3 1s आर 3 2s आर क्लियर, सॉरी 3 3s आर 9, यहाँ पे 3m स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 क्या निकला फैक्टर, q स्क्वायर का 3 किसका फैक्टर होगा, q का, तो p का फैक्टर भी 3 है, q का फैक्टर भी p है, हो सकते कैसे को प्राइम है यार, इनके भी को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके भी एचसीएफ 1 होता है, ठीक है, तो अवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो मुझे पता है आप तंग आ रहे होंगे, तो यहाँ पे हम अंडर रूट 5 ले लेंगे सर, आएगा ठीक है, तो हो गया ये क्लियर, एक्सरसाइज 3 आपकी क्लियर हो गई, ठीक है, और क्लास 10th में जो एक्सरसाइज 3 है वो क्लियर हुई होगी इंशाल्लाह। तो अब हम एक्सरसाइज नंबर 4 पे चले जाते हैं, एक्सरसाइज नंबर 4 पे क्वेश्चंस है, आपको बताना है अगर यहाँ पे क्वेश्चन है 41/7, ठीक है, रैशनल नंबर है, ओके सर रैशनल नंबर है, क्यों है, क्योंकि इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू है, क्यों है सर, क्योंकि पी और क्यू आपस में को प्राइम है, ओके वेरी गुड, आपको समझ आया है। अब मुझे इसलिए बताओ क्या इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी क्या वो टर्मिनेटिंग होगी कि नॉन टर्मिनेटिंग होगी, क्या वो टर्मिनेटिंग होगी या वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी, क्वेश्चन समझ लेना पहले, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज नंबर 4 क्लास 10th मैथ्स में, सर 41/7 सर ये रैशनल नंबर है, बिल्कुल है रैशनल नंबर है, बिल्कुल है सर, क्यों, क्योंकि p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, दूसरी टर्म सर p और q आपस में को प्राइम है, बिल्कुल सर, हमें कैसे पता चलेगा इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है, ऐसे बेटा जो इसमें डिनोमिनेटर होता है, अगर डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज पावर m इनटू 5 रेज पावर n की फॉर्म में आए ना, तो समझ लेना टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, सर समझ नहीं आया, बिल्कुल सर 7 क्या है, 7 के फैक्टर्स क्या है सर, 7 × 1 और क्या प्राइम है ना, तो क्या निकलेगा 41/7 × 1, क्या 7 और 1 इन द फॉर्म ऑफ 2 इनटू m 2 रेज पावर m इनटू 5 रेज पावर m में है, नहीं है, तो सर इस क्वेश्चन का टर्मिनेटिंग डेसिमल हो ही नहीं सकता है, क्लियर, ठीक है। अब सर 139 डिवाइडेड बाय 2 रेज इन पावर 6 इनटू 5 रेज इन पावर 3, सर क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर, क्यों, क्योंकि इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज फॉर समथिंग एंड 5 रेज फॉर समथिंग, ओके सर, सर ये वहां से था सर, आप आसान क्वेश्चन खुद कर लेते हो, हम फिर सब फिर टफ क्वेश्चन डाल देते हो, चलो मैं एक टफ कर लेता हूं, 139 डिवाइडेड बाय 125, ठीक है। अब सर मुझे क्या देखना है, 125 के फैक्टर्स निकालो, 5
सर क्या निकला? 139 डिवाइडेड बाय 5 रेज पावर 3, 1, 2, 3 इनटू 2 रेज पावर 0, बिकॉज़ एनीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1 एक्सेप्ट 0, 0 रेज पावर 0 इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, एनीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1 एक्सेप्ट 0, 0 रेज पावर 0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, 139, 5 रेज पावर 3, 1, 2, 3, ओके, 2 इनटू 0 क्योंकि 2 है ही नहीं इसमें, लेकिन है तो इन द फॉर्म ऑफ 5 रेज पावर 3 इनटू 2 रेज पावर m, 5 2 raised power m into 5 raised power n है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, समझ आया कि नहीं, फिर से बोलूं, ओके, 392 डिवाइड बाय 2 raised power 3 into 7 raised power 2, सर क्या ये इसका डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है? नहीं सर, क्यों? क्योंकि यहां पे 2 raised power m है बट 5 raised power n नहीं है, यहां पे 7 raised power something, that means denominator में जो numbers होते हैं ना, denominator में जो number होते हैं वो तो या तो multiples of 2 होने चाहिए या multiples of 5 या multiples of both 2 और 5, अगर 3 के होंगे नहीं होगा, 5 के होंगे नहीं होगा, ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये topic मेरा अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो please and please like करना, share करना, subscribe करना, और ऊपर जो bell icon है वो please please and please press करना, ताकि आपकी जो मेरे आने वाले videos होंगे वो आप लोग सारे देख सकोगे. शुक्रिया, थैंक यू.